गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम्स. वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास. सो चिल्ड्रन, द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर मोगली जॉइंस द वॉल्फ पैक. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. नेक्स्ट एंड चिल्ड्रन, इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस एस एंड सिंपल पास्ट टेंस. Isn't it, children? In the last class, we have discussed the simple present tense and the simple past tense as children. So today we are going to learn about compound nouns. Okay? Today we are going to learn about compound nouns. So children, before moving to that, please tell me what is mean by noun. As we all know that noun is nothing but name of a person, place, thing and animal is called noun. Yes, children? So what is mean by noun? Noun means nothing but a name of a person, place, thing and animal is called noun. Yes? So tell me, there are 5 types of noun. Yes, children? Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun. Yes? So children, and what is mean by pronoun, children? Yes? What is mean by pronoun? Pronoun is a word which used instead of noun is called pronoun. Yes, to avoid repetition of noun, we use pronoun. Yes, so children, then what is mean by compound noun? Yes, children, so today we will learn, okay? So here, look at these nouns, they are made of 2 words. So children, तो आप बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में. आज क्या करेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो बच्चों, नाउन किसे कहते हैं? किसी जगह, प्लेस, पर्सन या फिर थिंग के नेम को क्या बोलते हैं हम? नाउन कहते हैं. यस, नाउन इज नथिंग बट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल इज कॉल्ड नाउन. यस, तो कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? तो बच्चों आज हम ये जानेंगे. ओके, सो लुक एट दिस नाउन्स, दे आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स. सो हियर बच्चों, लुक एट केयरफुली, सी हियर, लुक एट दिस नाउन, दे आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स लाइक मून लाइट. ओके, मून लाइट, सो मून प्लस लाइट. यस, देर आर 2 वर्ड्स नाउ, लाइक मून इज 1, लाइट इज 2. यस, देर आर 2 वर्ड्स, मून प्लस लाइट, मून लाइट. यस, देन कैटल प्लस किलर, कैटल किलर, कैटल किलर इज इक्वल टू कैटल प्लस किलर. सो सच नाउन्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स. ओके, सो चिल्ड्रन, कंपाउंड नाउन्स मीन्स लाइक सी हियर, मून प्लस लाइट, मून लाइट, देर आर 2 वर्ड्स. यस, देन इन कैटल प्लस किलर, कैटल किलर, दे आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स. सो कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स दैट मेड ऑफ 2 वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स. यस, फॉर एग्जाम्पल, मून लाइट, कैटल किलर प्लस मून प्लस लाइट इज इक्वल टू मून लाइट, कैटल प्लस किलर इज इक्वल टू कैटल किलर. ओके, सो हियर नाउ कम टू द सेक्शन ए. कंबाइन द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू मेक कंपाउंड नाउन्स. ओके, यूज ईच वर्ड ओनली वंस. So children, what we have to do? We have to combine the words in column A with those in column B. Okay? So here, see column A and column B. Fire, firefly. Yes? Fire plus fly, firefly. Note plus book, notebook. Yes? There are 2 words, no children? Like firefly, fire means up, fly means una, firefly. Yes, here we can see. Yes, children, firefly. Then yes, firefly. Then notebook, we say notebook. Here are also, there are 2 words. These are compound nouns. Compound nouns means notebook. Yes. Then keyboard. Key is different word, board is different word. There are 2 words as students. So these words, when they merge, means keyboard, they are called compound nouns. तो बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, एक अलग अलग है. जो 2 words अगर जब मिलते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? Compound noun. Yes, like जैसे fire और fly 2 अलग अलग words हैं. जब वो हमें fire plus
फ्लाई फायर फ्लाई. सो इस फायर फ्लाई इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन. ओके नाउ फुटबॉल फुटबॉल फुट प्लस बॉल इज इक्वल टू फुटबॉल, हेयर प्लस कट इज इक्वल टू हेयर कट. सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन. यस सो चिल्ड्रन, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड नाउन्स के बारे में पढ़ा. तो हम जैसे जानते हैं बच्चों, नाउन किसे कहते हैं, किसी जगह या शख्स या प्लेस या फिर किसी चीज़ के हम जो नेम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. तो फिर कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसके दो वर्ड्स हों, लाइक नोट प्लस बुक ऐसे दो वर्ड्स हैं. यस एंड मून प्लस लाइट मून लाइट, कैटल प्लस किलर कैटल किलर. यस ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो दो वर्ड्स होते हैं अगर हम उन्हें डिवाइड करें तो दो वर्ड्स अलग अलग हों. यस तो फिर जब हम उन्हें बोलते हैं कैटल किलर क्या करते हैं, मिक्स करके बोलते हैं. यस जैसे नोटबुक फायरफ्लाई फुटबॉल. यस ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड नाउन्स ऐसे वो कहते हैं. ठीक है नाउ कम टू द कलेक्शन विथ एडजेक्टिव एंड नाउन्स. ओके collections with adjectives and nouns. So children, some adjectives and nouns combine naturally and form a common expression. Yes children, so here see children, some adjectives and nouns combine naturally and form a common expression. Look at these examples from the story, like wild animal, full moon. Yes children, so some adjectives and nouns combine naturally and form a common expression, like wild animal. Yes, wild is an adjective, animal is a noun. Yes, full moon. So come to the page number 45. Here children, complete these sentences by choosing the right words from the brackets. So here what we have to do children, we have to complete these sentences by choosing the right words from the brackets. Okay, so it was big or deep, which option is right here children, tell me. Yes you are right, it was a big mistake to go out in the rain. Yes children, so here see, it was a big mistake to go out in the rain. Then we had great or huge fun at the circus. So which option is right children, great or huge? We had great fun. We can't say that we had huge fun. Yes, we should not say, we should say great. We had great fun at the circus. Then Janet likes to wear shiny colors or bright colors. Bright colors. Yes children, then they were late because they were stuck in long traffic or heavy traffic. Children, heavy traffic. Okay, they were late because they were stuck in heavy traffic. Everyone agreed that ice cream was good idea. We can't say that everyone agreed that ice cream was a happy idea. No, we say ice cream was a good idea. Yes children, so like that, see here, it was a big mistake to go out in the rain. Yes, it was a big mistake to go out in the rain. So here big is right. Okay, then we had great fun at the circus. We should not say, we can't say like we had huge fun. No, we had great fun. Then Janet likes to wear bright colors. They were late because they were stuck in heavy rain. Yes, everyone agreed that ice cream was a good idea. तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, इस sentences को complete करना है by choosing the right words from the brackets. जो brackets में जो दो words दिए गए हैं, yes उन दो words में हमें क्या करना है, एक right options को चुनना है. Yes बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पे चुना big. Yes तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि it was a deep mistake. Yes एक गहरी mistake है, ऐसे हम नहीं बोल सकते. It was a एक बड़ी मिस्टेक है. बड़ी मीन्स बिग. यस सो बिग मीन्स बड़ा. सो हियर वी से इट वॉज अ बिग मिस्टेक. तो वैसे ही बच्चों वी हैड ह्यूज फन. हमने इतना लंबड़ा वाला नहीं, ऐसे नहीं बोलते. वी हैड अ ग्रेट फन एट द सर्कस. सो जेनेट लाइक्स टू वेयर ब्राइट कलर्स. दे वर लेट बिकॉज दे वर स्टक इन हैवी रेन. यस हैवी ट्रैफिक. So everyone agreed that ice cream was a good idea. So children, today we have learned about compound
nouns, then collection with adjectives and nouns. Yes, children, in the next class, we will learn about alphabetical order. Okay, children. So, till then, stay home, stay safe. Okay, children. And first, complete your fair, children. Okay. I will send PDF. Complete your fair and read this lesson and write it 5 times. Okay. So, children, complete your fair without fail. Then, children, the next part, the next alphabetical order, we will discuss in our next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Bye-bye.